हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं श्री रामा मल्टीटेक लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पर ये कंपनी क्या कारोबार करती है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पर जो इस कंपनी में निवेश किया जा सकता है नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेली स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के अंदर। श्री रामा मल्टीटेक लिमिटेड कंपनी जो कि एक बल्कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि माइक्रो कैप स्टॉक जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये कंपनी जो है क्या काम करती है, बिजनेस प्रोफाइल क्या है, कंपनी है करंटली कैश फ्लोस किस तरह से वर्कआउट हो रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे, कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर मार्केट में जिससे ट्रेड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट सेंटिमेंट ऑल्सो निवेश किया जा सकता नहीं, माइक्रो कैप स्टॉक है तो यहाँ पर कंपनी की प्रमोट होल्डिंग किस तरह की देखने को मिल रही है, और आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर एज वेल एज यहाँ पर अभी क्वार्टर्स के अंदर कंपनी किस तरह के नतीजे आए हैं उसके ऊपर फोकस रहेगा। कंपनी के अगर यहाँ पर बिजनेस प्रोस्पेक्टिव की तरह से बात, तो श्री रामा मल्टीटेक कंपनी का जो यहाँ पर कारोबार है वो यहाँ पर पैकेजिंग सॉल्यूशन जो होता है प्लास्टिक लेमिनेशन रिलेटेड जो कारोबार होता है उस सेगमेंट में जो है ये कंपनी जो अपना सर्विसिंग रिलेटेड जो कारोबार है वो यहाँ पर करती है, और उसके थ्रू जो है इस कंपनी का मेन कारोबार यहाँ पर हमें होते हुए देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ में यहाँ पर कंपनी अगर यहाँ पर मार्केट कैप की बात हो तो 145 करोड़ का ही यहाँ पर हमें जो है मार्केट कैप जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्टॉक का पी कम यहाँ पर देखते हैं तो 28.9 का यहाँ पर भी है, जबकि इंडस्ट्री का सिर्फ 16 का जो है चलते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं जो कि मेरे आपसे काफ़ी ज़्यादा कम है एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑल्सो, दैट इज जस्ट इज 7.94%, और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी है यहाँ पर 16.8%। बुक वैल्यू है यहाँ पर सिर्फ 2.23 रुपीज़ की, और उसके हिसाब से देखते हैं तो मोटा मोटी शेयर जो है 5 गुना जो है यहाँ पर हमें कंपनी के बुक वैल्यू से महंगे भाव पर जो है ट्रेड होते देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हाई प्राइस है 16 रुपये और लो प्राइस यहाँ पर हमें 7.16 का देखने को मिल रहा है। डेट भी अगर मैं पर कंपेयर करते हैं कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से, डेट इज 82.3 करोड़ के डेट के ऊपर 145 करोड़ का मार्केट कैप, तो ये जो चीज़ है वो भी थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकती है, बिकॉज 82 करोड़ की जो यहाँ पर कंपनी का डेट है उसके हिसाब से यहाँ पर कंपनी साल का ऑलमोस्ट जो है 8 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है वो यहाँ पर सीधा जो है कंपनी इंटरेस्ट पे में ही लगा रही है। फाइनेंशियल ट्रेंड भी देखते हैं, 2023 के भी आंकड़े देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी का 5 करोड़ का ये प्रॉफिट हुआ है, जबकि यहाँ पर रेवेन्यू 196 करोड़ का जो एक अच्छा सा जो है रेवेन्यू जो है मार्क होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर जो मार्जिन सेक्शन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल होता है, बिकॉज यहाँ पर जो जनता है वो यहाँ पर मार्जिन बेस के हिसाब से जो है वॉल्यूम अगर ज़्यादा होता है तब जाके जो है एक अच्छा सा ग्रोथ परस्पेक्टिव वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। बट फॉर द टाइमिंग यहाँ पर 80 करोड़ की यहाँ पर जो कंपनी डेट है तो 8 करोड़ जो है कंपनी का वहाँ पर ही जा रहा है, और कंपनी जो है प्रॉफिट ही कर रही है 5 करोड़ का, तो यहाँ पर आप जो है खुद ही कैलकुलेशन लगा दीजिए कि जो कैश फ्लो निकल कर आता है मोटा मोटी वो भी यहाँ पर हमें जो है नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं मार्च के हिसाब से, तो मार्च 2021 के अंदर 37 करोड़, मार्च 2022 के अंदर भी 37 करोड़, और यहाँ पर रिसेंट क्वार्टर के जो नंबर आए पिछले 4 क्वार्टर से जो तगड़े नंबर आए हैं इस कंपनी के 48 करोड़ के तगड़े जो नंबर हैं वो यहाँ पर हमें कंपनी की रेवेन्यू के अंदर जो है देखने को मिल रहे हैं, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। डेफिनेटली अदर इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू कंपनीज एक्सेसिबल बिजनेस दैट इज कंपनी डूइंग राइट नाउ, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर सेप्टेम्बर 2022 के अंदर 14 लाख का प्रॉफिट, दिसंबर के अंदर 15 लाख का घाटा हुआ है, और यहाँ पर अभी रिसेंट क्वार्टर के अंदर 3.78 करोड़ के एक अच्छे खासे जो है प्रॉफिट के नंबर देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर 42.51% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स के पास पड़ी हुई है। सो प्रमोटर होल्डिंग डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह से डेफिनेटली इतनी ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ पर नेगेटिव सेंटीमेंट ये कि पब्लिक के पास 57% का जो है स्टेक पड़ा हुआ है, और उस 57 के अंदर से भी मोटा मोटी जो है यहाँ पर 10-13% का जो निवेश है वह बड़े लोगों के द्वारा किया गया हुआ है, तो यहाँ पर मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो ऑलमोस्ट 40-39% की जो है उसमें यहाँ पर हमें सर्कुलेशन होते हुए देखने को मिल रहा है। अदर देन दैट यहाँ पर कंपनी के कैश फ्लोज के ऊपर अगर यहाँ पर चर्चा करते हैं तो यहाँ पर मार्च 2023 के अकॉर्डिंग कैश फ्रॉम ऑपरेशन जिस तरह से बताया कि प्रॉफिट ऑपरेशन जो है 14 करोड़ के आसपास जो देखने को मिला था, बट यहाँ पर नेट में जो है आंकड़ा देखने को मिला वो यहाँ पर सिर्फ 3 करोड़ का देखने को मिला बिकॉज ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो यहाँ पर हमें जो इस इंडस्ट्री में यहाँ पर जो है होते हुए देखने को मिलते हैं। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पर -4 करोड़ रुपये, और उसके अंदर से जो है कंपनी ने फिक्स एसेट्स परचेज किए 3.5 करोड़ के नियर बाय के। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 2 करोड़ का जो है आंकड़ा देखने को मिल रहा है,
रहा है दैट कंप्राइज यहाँ पर बोरिंग्स जो यहाँ पर कंपनी ने 3 करोड़ की उठाई है और इंटरेस्ट जो यहाँ पर कंपनी ने 1.44 करोड़ का जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो जो चीज़ देखने मिल रही है वो भी थोड़ी बहुत जो है मुझे दिक्कत वाली बात लग रही है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर 80 करोड़ के डेट के ऊपर अगर 1 करोड़ का भी अगर यहाँ पर कंपनी इंटरेस्ट पे करती है तो मेरे हिसाब से जो है ये इंटरेस्ट जो है थोड़ा बहुत दिक्कत वाली बात है, या फिर जो नेगेटिव स्टेटमेंट है या फिर कोई चीज़ जो है यहाँ पर कंपनी हाइड कर रही है। यहाँ पर मुझे कैश फ्लो के अंदर थोड़ा बहुत जो है घपला लग रहा है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, बट यहाँ पर ये चीज़ है आप खुद समझ लीजिए कि अगर 8 करोड़ के ऊपर यहाँ पर 5% पे भी अगर यहाँ पर कोई ब्याज देता है तो यहाँ पर 4 करोड़ का इंटरेस्ट आता है, जो कि यहाँ पर हमें कंपनी के कैश फ्लो के अंदर सिर्फ 1 करोड़ का ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकती है आने वाले कुछ लंबे टाइम के दौरान। 5 साल का हाई प्राइस यहाँ पर 20 और यहाँ पर लो प्राइस 2.4 का देखने को मिल रहा है, 10 रुपये पर शेयर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं अपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बताऊँ तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म एज वेल लॉन्ग टर्म दोनों पॉइंट ऑफ व्यू कैसे मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रीजंस कि यहाँ पर कंपनी के पास जो मार्केट में लिक्विडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है एज पर द फैक्ट एज वेल कंपनी जो भी अर्निंग्स है उसके यहाँ पर जो पोटेंशियलिटी देखने को मिलती है वो यहाँ पर अभी तक जो है देखने को यहाँ पर मुझे नहीं मिली है। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको श्री रामा मल्टीटेक लिमिटेड कंपनी है जो शेयर यहाँ पर ने किया वो यहाँ पर आपको अच्छी से पता चल गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।